मैंने इससे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी पर बेस्ड मैं अब ढेर सारा न्यूमेरिकल लेके डिफरेंट वीडियो में आऊंगा। तो ये इसका न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है। इसमें बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट। अब देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम, और हीलियम का एक एटम का ये मास दिया हुआ है। तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसी को भी हम बोलते हैं क्या चीज, मोलर मास भी बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास हो, अगर एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। किसी मॉलिक्यूल के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इस दोनों को हम मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास, तो हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको ध्यान नहीं देना वो एटम का मास है कि मोलर मास मॉलिक्यूल का मास है। मोलर मास लिखने से दोनों का मतलब हो जाएगा मोलर मास। अब आपको गिवन मास कितना है दिया हुआ है 12 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3 मोल्स, यानी 12 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ हीलियम। कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए यहां पर आपको वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो पहले सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लेते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपके पास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ वाटर। ये दोनों आप इक्वल होगा। हाइड्रोजन का कितना एटम है 2 एटम। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया हुआ है यहां एक एटम का 1। 2 एटम यूज हुआ है तो 1 × 2 प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम है यहां कंपाउंड में वाटर में एक एटम, और उसका एक एटम का मास दिया हुआ है 16। सो 1 × 16 दैट इज 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया या मोलर मास हो गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है कितना 36 ग्राम, किसका वाटर का, अपॉन मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो ये हो गया 18 × 36 दैट इज 2 मोल्स। सो 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।